खुश नसीब हैं हमारे दुश्मन के जिनका मुकाबला हम जैसे बेवकूफ़ मुसलमानों से है जिनके रहनुमा ऐसे हैं जो आपस में अब तक इस बात पर लड़ रहे हैं कि हाथ यहाँ पर रखने चाहिए या नाफ के नीचे जिनके उलमा इस बात पर झगड़ा कर रहे हैं कि दुआ नमाज़ के बाद इजतमाही तौर पर मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए जिनकी इस बात पर बहस कर रहे हैं कि जनाजे के बाद मरने वाले की बख्शिश की दुआ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए और दूसरी तरफ यहूदी हैं जो अपना थर्ड टेम्पल बनाकर पूरी दुनिया को फतह करने और उसके ऊपर अपना दीन यानी यहूदियत को गालिब लाने के लिए तैयारी कर रहे हैं एक गाय जो उनके रास्ते में रुकावट बन रही है कि वो उनको मिल नहीं रही कुर्बानी के लिए उसकी पैदाइश के लिए ब्रीडिंग कर रहे हैं और सुर्ख गाय तलाश कर रहे हैं कि उसकी कुर्बानी करें और द के आने की तैयारी को मुकम्मल करें जी हाँ यहूदियों के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि रेड हाइफ़र यानी सुरख गाय ऐसी बछड़िया के जिसने इससे पहले ना किसी बच्चे को जना हो और ना ही उस पर कभी हल चलाया हो जिसकी उम्र तकरीबन दो साल से ढाई साल हो उसकी कुर्बानी करने के बाद उनका तीसरा टेम्पल बन सकता है और वो किस तरह इस कुरान मजीद के अंदर सूर्य बकरा के अंदर अल्लाह ताल नेजरत मूल इसलम का जिक्र किया है मुतद मरतबा कुरान करीम में उसका जिक्र किया है हर हाल सूरह बकरा में जिसका नाम बकरा यानी गाय के नाम पर रखा गया बकरा गाय को कहते हैं उसमें उस गाय का जिक्र है कि जिसकी कुर्बानी अल्लाह ताला ने यहूदियों से मांगी हजरत मूसा इस्लाम ने जब अपनी कौम को कहा कि एक गाय कुर्बान की जाए जिस पर काफ़ी सारे सवाल किए यहूदियों ने और उसके बाद एक सुर्ख गाय का इंतखा किया गया कि जिसकी कुर्बानी की गई जिस पर कोई दाग कोई धब्बा नहीं था जिससे कभी हल नहीं चलाया गया था जिसने कभी किसी बच्चे को जना नहीं था उस कुर्बानी के बाद अल्लाह ताला ने उनको निजात दी और उनको फिरौन से आज़ादी मिलने के बाद दुनिया पर उनका गलबा कायम हुआ और पहला टेम्पल जो हजरत सलमान के दौर में बनाया गया, गया। यानी इबादत के लिए यहूदियों की इबादत के लिए एक जगह बनाई गई हजरत सलमान ने बनवाई जो बनी इसराइल के बादशाह थे और दऊद असलम के बेटे थे अर्ज सलमान इस्लाम का दौर गुजरने के बाद बुख् नसर जो कि इराक़ का एक बादशाह था उसने यहूदियों को तह तय किया फलस्ती को तबाह कर दिया यरूशलेम पर अपना कब्ज़ा किया और उस टेंपल को तबाह कर दिया वजह गया थी यहूदियों की नाफरमानी इसका जिक्र भी अल्लाह ताला ने अजमाल कुरान करी में किया है और तफासिर में इसका जिक्र मिलता है यहू के ऊपर यह एक सख्त अजाब था जो अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया बुख्ता नसर ने फलस्तीन कब के अंदर तबाही मचा दी तोरा की तख्तियां जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम को कोहतूर पर दी थी वो भी तोड़ फोड़ दी गई और ज़ाया कर दी गई उनका ताबूत सकीना भी उनसे खो गया इसके बाद यहूदी काफी अरसा तक इराकियों के कब्जे में रहे जिसके बाद एक बादशाह आया जिसका नाम था दरियूस इसको डेरियस भी कहा जाता है उस बादशाह ने यहूदियों को आज़ादी दिलाई और दोबारा से यहूदियों को फ़लस्तन में आबाद किया और सेकेंड टेम्पल इनका बना कुछ जगहों पर मिलता है सारस द ग्रेट ने इनको दोबारा यहाँ पर मुंतकिल किया बा इस सेकंड टेम्पल को तबाह किया था रोमस ने यानी वो लोग जो यूरोप से आए थे यहाँ पर हमला किया ईसाई थे मज़हब के और इस इलाके को शाम तक के इलाक़े को अरबों के इलाक़े को भी कब्ज़ा कर लिया और फ़लस्तानी को भी अपने तसलुत में ले लिया इधर से इन्होंने यहूदियों को भगा दिया कुछ यहूदी मदीना वगैरह के इलाक़ों में आ गई कुछ दीगर इलाकों में भागे और यहाँ पर जो सेकंड टेम्पल था उसको तबाह कर दिया गया रोमन से मुसलमानों ने यह इलाका छीना हजती उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला तह के दौर में और उसके बाद तवील अरसे तक मुसलमानों के पास रहा जिसके बाद दोबारा से इसको ईसाइयों ने हासिल कर लिया और फिर सलाहुद्दीन यूबी ने इसको फतह किया और उसके बाद से अब तक मुसलमानों ही के पास है मगर लगता है कि अब मुसलमान फिर से इसको खो देंगे बहरहाल इस किताब में इसका जिक्र मिलता है कि थर्ड टाइम टेम्पल अब तब बनेगा कि जब क्यामत करीब होगी यहूदी एक सुर्ख गाय की कुर्बानी करेंगे उसका पानी यानी उस राख से बना हुआ जो पानी होगा जिसमें उसकी राख मिलाई जाएगी उस पानी को अपने जिस्मों पर मलेंगे और वो रबाई यानी इनके जो इनको रेबिस भी कहा जाता है इनके जो रहनम है वो पाक होंगे और वो मस्जिद अक्सा के इस मुकदस इलाके में दाखिल होंगे जहाँ पर आप देखते हैं मस्जिद अक्सा है उसके साथ ही डोम ऑफ रॉक है वो जो पूरा एक अहाता है मस्जिद अक्सा का उस जगह पर ये थर्ड टेंपल बनाएंगे और इस थर्ड टेंपल के बनने के बाद दजाल आएगा यानी इनका आखिरी बादशाह जो इनके नज़दीक वो पैमर होगा वो आएगा और पूरी दुनिया पर यहूदी जंग करने के बाद कब्ज़ा हासिल कर लेंगे यानी यहूदी दुनिया पर यहूदी तसल्लुत अपनी शरीयत अपना दीन नाफिज करने के लिए इस कदर सरगर्म है और दूसरी तरफ हम मुसलमान हैं कि हमारे सामने मस्जिद अक्सा की तबाही हो रही है मुसलमानों को मारा जा रहा है और हम बेफिक्र बैठे हुए हैं कि कोई मसला नहीं भाई ये फ़लस्तियों का मसला अरबी भी खामोश है दुनिया भर के दीगर मुसलमान भी खामोश हैं